बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा थ्योरम है 13.2। पहले इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं। इफ़ टू एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर अनइक्वल, एक ट्रायंगल है जिसमें टू एंगल अनइक्वल है, ये गिवन है। ट्रायंगल है एबीसी और उसके दो एंगल अनइक्वल है। द साइड अपोजिट टू द ग्रेटर एंगल, अगर सपोज करते हैं कि बी एंगल ग्रेटर है तो उसके अपोजिट जो साइड होगा, द साइड अपोजिट टू द ग्रेटर एंगल इज लॉन्गर, तो वो ग्रेटर साइड के सामने वाला साइड भी लॉन्गर होगा, ग्रेटर होगा देन साइड अपोजिट टू द स्मॉलर एंगल। किसके मुकाबले में? उस साइड के मुकाबले में जिसका एंगल छोटा है, यानी छोटे एंगल के सामने वाला साइड छोटा होगा उस साइड से जो बड़े एंगल के सामने है। यानी गिवन क्या है? गिवन ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी, और साथ ये भी गिवन है कि एक एंगल इन विच मेजरमेंट ऑफ एंगल बी इज ग्रेटर देन मेजरमेंट ऑफ एंगल ए। टू प्रूव प्रूफ क्या करना है कि बी एंगल जो बड़ा है उसके सामने वाला साइड ए सी इज ग्रेटर देन ए एंगल के सामने वाला साइड, क्योंकि ए एंगल छोटा है तो छोटे एंगल के सामने वाला साइड बी सी भी छोटा होगा। यानी प्रूफ करना है कि ए सी इज ग्रेटर देन बी सी और बी सी स्मॉलर देन ए सी। इसके साथ हम मेजरमेंट भी लगा लें। अब हमारे पास है प्रूफ। स्टेटमेंट लिखें और साथ रीज़न लिखें। हमारे पास अगर देखा जाए तो थ्री पॉसिबिलिटीज़ है, उसे हम ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी कहते हैं। आपके पास दो नंबर हैं एक्स और वाई, तो तीन पॉसिबिलिटी हो सकती है कि या तो एक्स और वाई इक्वल हो सकता है, या एक्स इज़ ग्रेटर देन वाई हो सकता है, या एक्स इज़ लेस देन वाई हो सकता है। दो नंबर हैं, या तो वो आपस में बराबर हो सकते हैं, या एक नंबर दूसरे से छोटा हो सकता है, या एक नंबर दूसरे से बड़ा हो सकता है। यही तीन पॉसिबिलिटीज़ है और इसको हम ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी कहते हैं। इसी प्रॉपर्टी को हम यहाँ यूज़ करते हैं। देयर आर थ्री पॉसिबिलिटीज़। फर्स्ट इज मेजरमेंट ऑफ ए सी इज लेस देन मेजरमेंट ऑफ बी सी, या तो ए सी साइड बी सी साइड से छोटा होगा, और या तो ए सी साइड बी सी साइड के इक्वल होगा, और या ए सी साइड बी सी साइड से ग्रेटर होगा। इस प्रॉपर्टी को हम ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी कहते हैं। अब चेक करते हैं कि जब हम ये पॉसिबिलिटीज अप्लाई करते हैं तो होगा क्या। ये बात ध्यान में रखनी है कि ये गिवन है कि एंगल बी इज़ ग्रेटर देन एंगल ए, ये गिवन है। आपको अपने गिवन को डिस्टर्ब नहीं करना, यानी बी एंगल को हमेशा ए से बड़ा रहना चाहिए। इसको डिस्टर्ब करेंगे
यानी अगर बी एंगल ए से छोटा हो गया या बी एंगल ए के बराबर हो गया तो फिर हमारा जो गिवन है वही गलत हो जाता है। तो हमने बी को, एंगल बी को हमेशा एंगल ए से बड़ा ही रखना है। अब आए देखते हैं, पहली पॉसिबिलिटी लेते हैं कि इफ़ मेजरमेंट ऑफ ए सी इज़ लेस देन मेजरमेंट ऑफ बी सी। हम ये सपोज कर रहे हैं कि ए सी छोटा है बी सी से। तो जब ए सी छोटा है, जब ए सी छोटा है और बी सी देखें बड़ा है, तो जब ए सी छोटा है तो ए सी के सामने वाला एंगल भी छोटा होगा बी सी, जब बड़ा साइड है तो उसके सामने वाला एंगल ए से छोटा होगा, क्योंकि एंगल अपोजिट टू स्मॉलर साइड। तो जब हमने ये कहा कि ए सी बी सी से छोटा है तो फिर ये साथ प्रूव हो गया कि एंगल बी एंगल ए से छोटा है, और ये तो हमारे गिवन के ख़िलाफ़ है। वहाँ पे तो है कि बी इज़ ग्रेटर देन एंगल ए, विच contrary to the given। तो ये बात हम एक्सेप्ट कर ही नहीं सकते हैं। अब ज़रा इस पॉसिबिलिटी को देखते हैं कि इफ़ मेजरमेंट ऑफ ए सी इज़ इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ बी सी। अगर ए सी साइड और बी सी साइड इक्वल है तो ए सी साइड के सामने वाला एंगल बी और बी सी के सामने वाला एंगल ए, ये भी फिर आपस में इक्वल होंगे, यानी एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए। और ये हम कह सकते हैं कि आइसोसेलेस ट्राइंगल में उसका बेस, अगर दोनों साइड्स किसी आइसोसेलेस ट्राइंगल के कंगुएंट होते हैं तो फिर उसके एंगल्स भी कंग्रुएंट होंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बेस एंगल्स ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल में भी दो साइड्स और दो एंगल कंग्रुएंट होते हैं। जब हमने कहा कि ये दोनों साइड इक्वल हैं तो फिर ये भी साबित हो गया कि यहाँ पे तो दोनों एंगल भी इक्वल होंगे, और हमारा गिवन ये कहता है कि एंगल बी इज़ ग्रेटर देन एंगल ए। फिर यहाँ पे लिखेंगे विच कंट्ररी टू द गिवन। अब ये पॉसिबिलिटी रहती है, हैंस द ओनली पॉसिबिलिटी लेफ्ट, और वो क्या है कि मेजरमेंट ऑफ ए सी इज ग्रेटर देन मेजरमेंट ऑफ बी सी, क्योंकि बाकी पॉसिबिलिटीज़ मुमकिन ही नहीं है। क्योंकि जब हम कहते हैं पहली पॉसिबिलिटी लेते हैं कि ए सी और ए सी ग्रेटर देन नहीं है बी सी से, हम कहते हैं कि ए सी छोटा है बी सी से, तो फिर ए सी का सामने वाला एंगल बी भी छोटा हो जाता है बी सी के सामने वाला एंगल एंगल ए से, और ये हमारा गिवन नहीं है। जब हम कहते हैं कि ये दोनों साइड आपस में इक्वल हैं, सेकेंड पॉसिबिलिटी लेते हैं, तो फिर एंगल ए और एंगल बी भी इक्वल हो जाते हैं, जो फिर हमारा गिवन नहीं है। इसलिए यही पॉसिबिलिटी ठीक है कि ए सी ग्रेटर देन है बी सी से, जब एंगल बी एंगल ए से
बड़ा होगा तो एंगल बी के सामने वाला साइड एंगल ए के सामने वाले साइड से बड़ा होगा, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती।